हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुक विद अस। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कश्मीरी आलू दम कैसे बनाते हैं। कश्मीरी आलू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 9-10 पीस आलू ले लिए हैं। आप आलू का साइज़ देख सकते हैं, हमने बड़ा आलू लिया है या मीडियम भी बोल सकते हैं। इस आलू को मैंने छील लिया है और आलू में हमने अच्छे से पैकिंग कर ली है। पैकिंग करने से क्या होता है, आलू के अंदर तक फ्लेवर जाता है। तो ये दम आलू है, हम इसको अब क्या करेंगे, सबसे पहले फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई बैठा ली है, इसमें आप देख सकते हैं तेल चढ़ा दिया। अब जब भी तेल एकदम अच्छा गर्म हो जाएगा, इसमें हम आलू को डाल देंगे। तो आइए चेक कर लेते हैं, हाँ तेल गर्म हुआ है कि नहीं। मैं क्या करूँगा, तेल में लगा पानी छींटा मारूँगा। देखिए एकदम बस गर्म हो गया हमारा तेल, इसमें हम डालेंगे हमारे आलू को। इसे हम अच्छे से फ्राई करेंगे जब तक कि कुक ना हो जाए। तो जब तक हमारा आलू धीमी आंच में फ्राई हो रहा है, तो तब तक हम अपने आलू दम के लिए स्पाइस मिक्स, एक स्पाइस मिक्स बना देते हैं। तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, सूखा हुआ अदरक लिया है, इसे रफली चॉप कर लिया है, और यहाँ मेरे पास सौंफ है यानी कि फेनल सीड्स है। अब इन दोनों को मैं ग्राइंड करूँगा और इसका एक पाउडर बनेगा जो कि हमारे आलू दम में जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हमारे आलू में कितना अच्छा कलर आ गया है, ऑलमोस्ट हमारे आलू हो गए हैं। बस थोड़ी देर और इन्हें हम पकाएंगे, फिर हम आलू को निकाल लेंगे तेल से। अब हम अपने आलू को एक बोल में निकाल लेंगे, इनका फिलहाल कोई काम नहीं है। अब बारी है ग्रेवी बनाने की। ये ऑलमोस्ट 60-70% कुक हो चुके हैं, अब बाकी जो कुक होंगे वो ग्रेवी में ही होंगे और उसी वक्त इनमें जो टेस्ट है वो चढ़ेगा। ये आलू देखिए कितना मस्त हुआ है, एकदम लाल लाल करारा आया है। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगा एक मसालों का पेस्ट। तो भाई कश्मीरी दम आलू है तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तो बनता है। तो ये बहुत सारा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो कि एकदम छालनी है, सिर्फ कलर के लिए हम डाल रहे हैं। एकदम छालनी है, छाल तो थोड़ा बहुत रह गई, तो इसमें हम एडिशनल कोई मिर्ची नहीं डालेंगे, इसीलिए कलर भी यही देगा। और मम्मी बोलती है अभी कुकिंग करो तो हल्की हल्दी डालनी चाहिए, इसलिए बस हल्की हल्दी में डाल दे रहा हूँ नाम के लिए। ऐसे में हल्दी कुछ खास पसंद नहीं करता। और अब मैं डालूँ धनिया, यहाँ हम डालेंगे धनिया पाउडर। आपको वो याद होगा मैंने आपको एक पाउडर दिखाया था जो हम बनाने वाले थे, जो कि हम बोल सकते हैं सॉफ्ट का और सॉल्ट का पाउडर। तो ये जो पाउडर है हमारे आलू दम का, ये टेस्ट देने वाला है। इसमें हम कुछ गार्लिक, टमाटर, अनियन कुछ नहीं डालेंगे। ये जो सॉल्ट का पाउडर और सॉफ्ट का पाउडर है यही टेस्ट देगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और पेस्ट बना लेंगे इसको। तो ये बन गया हमारी ग्रेवी का बेस। तो ये वही वाली कढ़ाई जिसमें अपने आलू को फ्राई किया था, इसी में हम, वो तेल तो मैंने निकाल लिया, ये फ्रेश ऑयल अच्छा खासा,
हमने डाल दिया। ये तेल जब हल्का गर्म हो जाएगा इसमें हम डालेंगे सबसे पहले हींग। जब भी आप अपनी कुकिंग में लहसुन यूज ना करें तो हींग का यूज करिए, उसका बहुत सा फ्लेवर आता है। यहाँ मैं अच्छी खासी हींग डाल दे रहा हूँ, तेल गर्म हो गया है। ये देखिए हींग कैसे क्रैकल करती है। अब मैं इसमें डाल दूंगा अपना बनाया हुआ पेस्ट। अभी आज हमारी एकदम स्लो है, इसी मसाले में थोड़ा पानी इसी ऐड कर देंगे और इस मसाले को हम अच्छे से भूनेंगे। देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है। और आज को हम तेज कर देंगे। यहाँ देखिए उबाल आ चुका है, इसमें अपने हम फ्राई किए आलू डाल देंगे। एक बार हिला लेंगे। अब मस्त आलू को हम पकने देंगे, तो सबसे पहले यहाँ हम डालेंगे स्वाद के लिए नमक। अभी तक आलू में कहीं नमक नहीं डाला था, तो नमक हम अच्छे से डाल देंगे। और एक बार वापस चला लेंगे। अदरक की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो आप देख सकते हैं कितना गजब दिख रहा है ये। अब क्या करना है, इसे हम ढक के कम से कम ढकेंगे तो दम लगेगा ना। ये जो यहाँ से आप देख सकते हैं स्टीम निकल रही है, ये स्टीम इसको और पकाएगी आलू को। आपको मैंने बताया था कि आलू 60% पक चुके हैं, तो यहाँ पर कंप्लीट आलू को पकाना है। इसी ग्रेवी में पकाएंगे जिससे आलू के अंदर तक टेस्ट जाए, वो सॉफ्ट और सॉल्ट का जो पाउडर था उसका। तो अब हम 20-25 मिनट आलू को इसी जो रोगन है, रोगन मतलब जो तेल है यहाँ पर निकला हुआ, इसी में हम पकाएंगे। बीस मिनट हो गए आलू को पकते हुए ग्रेवी में। ये देखिए हम मस्त दिख रहा है। चेक कर लेते हमारा आलू हुआ है कि नहीं। देखिए आसानी से घुस जा रहा है आलू, ऑलमोस्ट डन है। बस 5-10 मिनट और लगेगा। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, गरम मसाला और घी डाल देंगे जो हमारी टेस्ट को और इन्हेंस करेगा। तो यहाँ गया गरम मसाला और अब डालेंगे हम घी। पहले ही बहुत रोगन है हमारे में ये घी, तो एकदम आप समझ सकते हैं बहुत कैलोरीज बढ़ने वाली है आज ये आलू दम खाने के बाद। बट अच्छी चीज़ है खाने के लिए, मोटापा नहीं देखना चाहिए। हाय हाय लाजवाब खुशबू आ रही है, कलर आप देख सकते कितना मस्त। इस आलू के ऊपर हैंडल करने से डर लग रहा है आलू टूट ना जाए। एकदम बढ़िया पक गए आलू।
बड़ी सावधानी से। देखिए ये आलू बेचारा थोड़ा सा इंजर्ड हो गया है। ऐसे ही इसे हम 5-10 मिनट और पका लेते हैं। तो यहाँ तैयार है हमारा कश्मीरी आलू दम। अब हम करेंगे इसकी बढ़िया सी प्लेटिंग। हाँ तो ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने अपने कश्मीरी दम आलू को यहाँ प्लेट कर दिया है। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ये कश्मीरी दम आलू। क्योंकि मैं ये दम आलू को रोटी के साथ खाऊंगा, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रेवी को बहुत गाढ़ा रखा है, मैंने पानी ऐड नहीं किया है। अगर आप इसको चावल के साथ एंजॉय करना चाहते हैं तो आप पानी ऐड करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे आप लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल कुक विद अस को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।